नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी कितने लापरवाह हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर पता चल रहा है। एयरपोर्ट पर कुछ खिलाड़ियों को अनजान शख्स से गले मिलते देखा गया। इस वीडियो में दिख रहा एक खिलाड़ी केदार जाधव जैसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही बाकी खिलाड़ियों ने भी उस शख्स से मुलाकात की और अभिवादन किया। इसके कुछ दिनों बाद ही दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव निकल गए और बाकी के 12 सपोर्ट स्टाफ को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये टीम के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर हालात इसी तरह से रहे तो दूसरे खिलाड़ी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और फिर आईपीएल के आयोजन पर ही सवाल खड़े ना हो जाए। इतना ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के तूफानी बल्लेबाज सुरेश रैना यूएई से भारत वापस लौट आए हैं और वो इस आईपीएल सीजन में नहीं खेलेंगे। सीएसके को तगड़ा झटका लगा है। सीएसके की योजना थी कि खिलाड़ी यूएई पहुंचने के बाद जरूरी क्वारंटाइन की अवधि को पूरी कर ले और इसके बाद ट्रेनिंग की शुरुआत की जाए, लेकिन टीम के सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस योजना पर फिलहाल पानी फिर गया है और पॉजिटिव सदस्यों को क्वारंटाइन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर नजर आए। दीपक चाहर समेत सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उधर बीसीसीआई ने भी आईपीएल शेड्यूल को होल्ड पर डाल दिया है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि चेन्नई में ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की वजह से ही सीएसके के खिलाड़ियों को संक्रमण हुआ है। फिलहाल चेन्नई टीम के अन्य खिलाड़ियों पर 5 दिनों तक निगरानी रखी जाएगी, जबकि दीपक चाहर और अन्य पॉजिटिव हुए सदस्यों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।